हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप सेब खाते हैं तो आपको इसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। दोस्तों, वैसे तो सेब खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है और यह कहावत आप सभी को पता ही होगी कि यदि आप दिन में एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सेब खाने के बाद नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, आप इन चीज़ों को खाते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है, सेब खाने के बाद अक्सर लोगों को काफ़ी तेज़ प्यास लगती है, लेकिन सेब खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। सेब खाने से कम एक घंटे बाद ही आप पानी पिएं, नहीं तो इससे आपके शरीर में कफ बनने लगेगा। दूसरी चीज़ जो होती है, सेब खाने के बाद खट्टी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। इनमें सिरका युक्त भोजन, अचार एवं अन्य चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके शरीर में अपच की परेशानी हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इसके अलावा सेब का सेवन यदि आप करते हैं तो मूली के साथ आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपके शरीर को कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें मुख्य रूप से होता है सफ़ेद दाग। इनका एक साथ सेवन करने से शरीर में सफ़ेद दाग के जो खतरे होते हैं वह कई गुना तक बढ़ जाते हैं। सेब खाने के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दोनों ठंडी तासीर वाली चीज़ें हैं जो शरीर में कफ बढ़ा सकती हैं, इसलिए सेब खाने के तुरंत बाद दही खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही सेब का सेवन सुबह के समय करना बहुत ही अच्छा होता है, सही होता है, लेकिन रात के वक्त सेब का सेवन करना आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और सांस के रोगियों को रात के वक्त सेब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्हें पूरी तरह से रात के समय सेब का सेवन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें। यदि आप भी अपनी सेहत के प्रति सजग हैं तो आप इन्हें ध्यान में रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।